माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीमो व्हाट इज हीमो डायाफिल्ट्रेशन ऑफ सल्यूट रिमूवल इन हीमो रिक्वायरमेंट ऑफ द एच डी एफ बेनिफिट ऑफ द एच डी एफ एंड ड्रॉबैक ऑफ द एस डी एफ सो वॉट इज हीमो डायाफिल्ट्रेशन हीमो क्या होता है हीमोडायफिल्ट्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज वन इज हीमोडायलिसिस एंड अदर इज हीमोफिल्ट्रेशन हीमोडायफिल्ट्रेशन में हम दो थेरेपीज़ को मिला के करते हैं एक होता है हमारा हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है हीमोफिल्ट्रेशन सो यू नो इन हीमोडायलिसिस द बेसिक मैकनिज्म ऑफ सेल्यूट रिमूवल इज डिफ्यूजन हीमोडायलिसिस में जो सेल्यूड रिमूवल होते हैं उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है डिफ्यूजन तो बाय डिफ्यूजन यू कैन रिमूव यूरिया यू कैन रिमूव क्रैटनिन बट यू कैन नॉट रिमूव बीटा टू माइक्रोग्लोबिलिन वाई इन हीमोफिल्ट्रेशन द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेलुड रिमूवल इज कन्वेक्शन सो बाई कन्वेक्शन यू कैन रिमूव यूरिया यू कैन रिमूव क्रैटनिन एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव बीटा टू माइक्रोग्लोबिलिन सो इन हीमोडाफिल्ट्रेशन The removal of toxins are very high because in hemodiafiltration we use hemodialysis and we use hemofiltration. HDF डी एफ में सेलूट का रिमूवल काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि हम इसके अंदर डायलिसिस के साथ साथ कन्वेक्शन भी कराते हैं हैंमोफिल्ट्रेशन कराते हैं इसलिए इसमें सेलूट रिमूवल काफ़ी अच्छा होता है लेट्स अंडरस्टैंड विद डाइग्राम दिस इज ए सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन ये एक सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज इस्मॉल मॉलिकुलर वेट टॉक्सिंस एंड दिस इज मिडिल मॉलिकुलर वेट टॉक्सिनस और बीटा टू माइक्रोग्लोबिलीन ओके इन डायलिसिस डिफ्यूजन विल हैपन स्मॉल मॉलिकुलर वेट विल रिमूव बाई डिफ्यूजन दिस इज हिमोफिल्ट्रेशन हीयर कन्वेक्शन विल टेक्स प्लेस स्मॉल मॉलिकर वेट एज वेल एज बीटा टू माइक्रोग्लोबिन विल रिमूव बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल और बड़ा मॉलिक्यूल दोनों दो कन्वेक्शन के थ्रू निकल जाएगा इन हीमोडाईफिल्ट्रेशन डिफ्यूजन भी होगा और हीमोफिल्ट्रेशन भी होगा तो जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो डिफ्यूजन के जरिए से भी निकलेंगे और कन्वेक्शन के भी जरिए से निकलेंगे इसलिए यहाँ पर सल्यूट क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है टू परफॉर्म हीमोडाईफिल्ट्रेशन यू हैव टू इन्फ्यूज़ लार्ज वैल्यूम ऑफ फ्लूड एंड देन दिस इन्फ्यूज फ्लूड इज रिमूव हीमोडाफिल्ट्रेशन के लिए आपको पहले लार्ज अमाउंट में फ्लूड को इन्फ्यूज़ करना होता है उसके बाद फिर ये फ्लूड को वापस बॉडी से निकालना होता है तो ये जो फ्लूड दिया जा रहा है दिस फ्लूड इज़ कॉल्ड एज सब्स्यूशन फ्लूड ये फ्लूट या तो हम प्री डाइल्यूशन फॉर्म में देते हैं या तो फिर हम पोस्ट डाइल्यूशन फॉर्म में देते हैं प्री प्री-डाइल्यूशन मीन्स इन्फ्यूजन ऑफ रिप्लेसमेंट फ्लूड बिफोर डायलाइजर, इसको बोलते हैं प्री फिल्टर तो अगर आप इन्फ्यूजन डायलाइजर से पहले अगर दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री डायलूशन और प्री फिल्टर डायलुशन अगर यही आप डायलाइजर के बाद इन्फ्यूजन देते हैं तो ये कहलाता है हमारा पोस्ट डायलूशन यानी डायलेजर के बाद या पोस्ट फिल्टर इन्फ्यूजन इसके लिए एक दूसरा पंप होता है यहाँ पर भी देखिए पंप है और यहाँ पर भी पंप है सो तो पहला पंप ये आपका ब्लड पंप होता है और दूसरा पंप होता है वो सब्स्यूशन पंप होता है तो सब्स्यूशन पंप के ज़रिए से ही रिप्लेसमेंट फ्लूड दिया जाता है अगर ये फ्लूड डायलेजर से पहले दिया जा रहा है बिफोर डायलेजर देन इट विल कॉल्ड एज प्री डायलुशन और अगर ये डायलेजर के बाद दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट डायलुशन और पोस्ट फिल्टर डायलूशन सो रिक्वायरमेंट फॉर हीमो डायफिल्ट्रेशन हीमो डायफिल्टेसन करने के लिए आपको क्या क्या, -क्या रिक्वायरमेंट चाहिए तो पहले आपको एक मशीन चाहिए डबल पम्प मशीन जिसमें एक पम्प विल एटलाइज ए ब्लड पम्प एंड सेकेंड पम्प सब्स्यूशन पम्प सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मशीन हेयर इज़ टू पम्प वन इज ए ब्लड पम्प एंड सेकेंड पम्प इज़ ए सब्स्यूशन पम्प एंड नेक्स्ट इज़ हाई फ्लक्स डायलाइजर फॉर कन्वेक्शन आपको हाई फ्लक्स डायलाइजर चाहिए ताकि आप कन्वेक्शन को करा सकें क्योंकि अगर कन्वेक्शन नहीं होगा तो फिर हीमो का कोई मतलब नहीं बनता है उसके लिए जो हाई फ्लक्स डायलाइजर आप लेंगे उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशेंट भी हाई होना चाहिए आपको डायलिसड चाहिए और साथ में सफ्यूशन फ्रूट चाहिए जो कि इस्टर होगा इसके बेनिफिट क्या है अगर आप हीमो कराते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा तो देखिए बेनिफिट ये होगा कि जो फास्फेट का क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर बेटर रिमूवल ऑफ इन्फ्लामेट्री एंड इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो सिंपल डायलिसिस में रिमूव नहीं होते यू कैन नॉट रिमूव इट बाई सिंपल हीम डायलिसिस सो इन हीमोडाइफिल्ट्रेशन दिस विल रिमूव ईजली तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका एनीमिया करेक्शन हो जाएगा आपका एमाइडोरसिस कम हो जाएगी अगर रेस्लट्स रेस्लट लेग सिंड्रोम है तो वो भी कम हो जाता है उसके अलावा अगर हीमोडाइनमिक इनस्टेबिलिटी है तो हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी इसका ड्रॉबैक क्या है तो देखिए चूँकि ये हाई फ्लक्स डायलाइजर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉस का और प्रोटीन लॉस का ख़तरा ज़्यादा रहता है इसलिए आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन पर भी ध्यान काफ़ी अच्छा देना होता है